आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक अलग तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, लड़ाई मंदिर और मस्जिद को लेकर के ही है। बनारस में ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला शुरू हुआ है, वहाँ पर लगातार वीडियोग्राफी चल रही है और मंदिर और मस्जिद यानी गौरी मंदिर और मस्जिद को लेकर के जो कानूनी दावपेच के बीच जो लड़ाई शुरू हुई है वो अब बनारस से होते हुए आगरा भी पहुँच रही है। आगरा में ताजमहल को तेजो महलों कहने का जो विवाद शुरू हुआ, वो विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ और उस विवाद के उत्पन्न होने के बाद अब तक उसमें क्या हुआ है और उस विवाद की जड़ कहाँ से आई थी, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा ये भी चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इन मुद्दों के साथ साथ कई अन्य मुद्दे भी हैं, उनमें से सबसे प्रमुख है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। चंदौली में जो कुछ हुआ उसके बाद आज सूबे के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चंदौली पहुंचे थे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद और गौरी मंदिर को लेकर के। बीते दिनों अपनी डिबेट के जरिए मैंने आपको बताया भी था कि आखिर ज्ञानव्यापी मस्जिद का इतिहास क्या है, ये विवाद क्यों खड़ा हुआ और इस विवाद के पीछे पूरा मामला क्या है। गौरी मंदिर को लेकर के जिस तरह से ये पूरा मामला बड़ा हुआ, महिलाओं ने याचिकाएं डाली कि हमें गौरी मंदिर में गौरी माँ के श्रृंगार और उनकी जो पूजा है वो रोज करनी है और इसी को देखते हुए याचिकाएं डाली गई थी, जिस पर कोर्ट की तरफ से फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि वीडियोग्राफी करके ये पता लगाया जाए कि आखिर इस ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग होने की बातें कही जा रही हैं वो कितनी सच हैं। विवाद काफ़ी बड़ा हुआ, अधिकारियों ने पहुंचकर वीडियोग्राफी करी और आज सुबह से एक खबर निकलकर सामने आ रही थी कि जिन महिलाओं ने इस पूरे मामले को लेकर के याचिका डाली थी उसमें राखी सिंह नाम की महिला ने अपना मुकदमा वापस ले लिया है। लेकिन दोपहर होते होते इन सब चीज़ों से पर्दा हटा और ये पता चला कि दरअसल मुकदमा वापस तो हुआ है लेकिन राखी सिंह ने वापस नहीं लिया है, मुकदमा सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने वापस लिया। जितेंद्र सिंह भी एक वादी थे इन मुकदमों में और जितेंद्र सिंह की तरफ से ये कहा गया कि हमें और हमारा जो संगठन है उसे बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है और देश में कुछ ऐसी विपक्षी ताकतें हैं जो लगातार इस मामले को भड़का करके कुछ चीज़ों को खराब करने में लगी हुई है, जिसमें सबसे प्रमुख है सौहार्द। लेकिन उसके बाद जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि अगर मैं इस मुकदमे से अपना नाम वापस ले रहा हूं या अपना मुकदमा वापस ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप बैठूंगा, मैं एक नई याचिका के जरिए एक नया मुकदमा दाखिल कराऊंगा और एक नए वादी के रूप में इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि राखी सिंह को लेकर के जो भी खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे संगठन के आसपास, लोग ऐसे घूम रहे हैं जो इस पूरे मामले के जरिए हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक आपसी लड़ाई भी देखने को मिली उन वादियों के बीच में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद ताजमहल और ताजमहल के राज के बारे में भी चर्चा शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि ताजमहल या फिर तेजो महल जिसमें 22 कमरे हैं और उन 22 कमरों के राज के बारे में लोग जानना चाहते हैं, इसको लेकर के भी याचिका पड़ी हुई थी और अब उस पर भी कहीं ना कहीं सबकी नज़र बनी हुई है कि आखिर इन 22 कमरों का राज क्या है। तो इस राज के बारे में भी जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि आखिर जिसे हम और आप ताजमहल के नाम से जान रहे थे उसे लोग तेजो महल क्यों कह रहे हैं। दरअसल ताजमहल में चमेली हर्ष और मुख्य मकबरे के नीचे बताया जा रहा है कि वहाँ पर 22 कमरे हैं जो एक लंबे समय से नहीं खोले गए हैं और इन 22 कमरों में गणेश जी की मूर्ति और कमल के फूल, इसके अलावा इन सब से जुड़ी हुई कई अन्य चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। इसकी जो शुरुआत या इसकी जो जड़ थी वो कहाँ से निकल के आई ये भी जान लेना ज़रूरी है। तो एक पुरुषोत्तम नागेश ओक नाम के व्यक्ति हैं जो कि एक पुराने साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था टू स्टोरी ऑफ ताज। इसी किताब में उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि ताजमहल या तेजो महल में जो 22 कमरे हैं, इन 22 कमरों में गणेश जी की मूर्ति,
कमल का फूल या फिर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रमुख स्मृतियां वहां पर मौजूद हैं जो इस बात को सिद्ध करती हुई नजर आती हैं कि ये ताजमहल तेजो महल्य है, यहाँ पर शिवलिंग भी है। कई सारी चीजों का जिक्र उन्होंने उस किताब के जरिए किया था और पिछली बार 1934 में ये जगह खोली गई थी, वहां पर लोगों ने पिक्चरें भी खींची थी, फोटोज भी खींची थी, लेकिन उस दौरान भी कमरों को खोला नहीं गया था। याचिका पड़ी है और उस याचिका में ये कहा गया है कि अब इन कमरों को भी खोल करके इसकी जांच करी जाए। सवाल यहां पर यह है कि एकाएक इस तरह के विवाद उत्तर प्रदेश में क्यों अब बढ़ते जा रहे हैं? पहले बनारस की बात, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के, अब तेजो महल ताजमहल को लेकर के, और सरकार जिस तरह से लंबे समय से कह रही है कि मथुरा की बारी भी आने वाली है, तो मथुरा पर भी कहीं ना कहीं सबका फोकस बना हुआ है। और ये सब हुआ है राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुलने के बाद से ही। तो ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह के मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हमें और आपको बैठ करके करनी पड़ रही है। फिलहाल इन मुद्दों के अलावा उत्तर प्रदेश में और भी कई मुद्दे हैं और उन मुद्दों में सबसे अहम है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जो बीते दिनों काफी हद तक चरमराती हुई नजर आई है। चाहे हम चंदौली की घटना को ही याद कर लें, चंदौली में दबिश के दौरान जिस तरह से एक युवती की मौत हो जाती है और उसका पूरा का पूरा जो आरोप है वो पुलिस के ऊपर लगता है, और उस मामले में आज उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौके पर पहुंच के पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि हम इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक जाएंगे। किस हद तक जाएंगे ये हद नहीं पता, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और विपक्ष एक लंबे समय से ट्विटर सोशल मीडिया इन्हीं पर ही दिखता रहा है, सड़क पर नहीं दिखाई दिया है। तो यहाँ पर यह भी सवाल है कि अगर उत्तर प्रदेश में एक तरफ एक अन्य तरीके की राजनीति चल रही है, एक अन्य तरह के मुद्दे चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सक्रिय क्यों हैं, क्यों वो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं? हालांकि अखिलेश यादव सड़क पर उतर करके पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इतनी देर में क्यों पहुंचे, उनको और पहले पहुंचना चाहिए था। इसके अलावा भी अखिलेश यादव ने कई सारे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में महंगाई के मुद्दे को उठाया, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने ये कहा कि जब तक जनता सक्रिय नहीं होगी तब तक इन मुद्दों से या इन समस्याओं से जनता को निजात नहीं मिलेगा। तो अब देखना ये होगा कि आखिर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति या ये जो मुद्दे चल रहे हैं ये मुद्दे किस करवट लेते हैं। फिलहाल आज मैं इसी मुद्दे पर डिबेट करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये सारा जो विवाद खड़ा हुआ है, इस विवाद का रास्ता क्या निकलता है। आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करूंगा। ये बीजेपी लगातार करती रहेगी, जनता को खुद सामने आना पड़ेगा महंगाई बेरोजगारी के लिए। आप बताइए आटा क्या कीमत होगा, सरकारी खरीद गेहूं की नहीं हुई, बिजली महंगी है, बिजली है नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट के वादे किए, कोई नौकरी रोजगार लगा नहीं, इन्वेस्टमेंट आया नहीं, गंगा सफाई की बात की, आज गंगा में मछलियां डालते ही मछलियां मर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर गंगा में मछली डाली जाए, जिंदा मछली हो और मछली मर जाए, तो इसका मतलब ये कि डिजॉल्व ऑक्सीजन पूरी की पूरी गंगा की ख़त्म हो गई है। का या मेरा या मेरे किसी एडवोकेट का ऐसा कोई बयान नहीं है, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ऐसा किया है और राखी सिंह का नाम लेकर, इसलिए कि कुछ देश विरोधी शक्तियां विरोध मेरे विरोध में षड्यंत्र रच रही हैं, विश्व वैदिक सनातन संघ के खिलाफ षड्यंत्र रख रही हैं, अलग अलग बयान लेके अलग अलग तरीके से तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया है ताकि देश का माहौल बिगड़े। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू कराता हूं, फिर इस डिबेट को शुरू करूंगा। सबसे पहले देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मनोज पासवान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनता संघर्ष मोर्चा से हमारे साथ राम मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, विवेक तिवारी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हैं और सिद्धार्थ राजभर हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हैं। आपसे थोड़ी देर में वो हमसे वीडियो लिंक के थ्रू भी जुड़ेंगे। सबसे पहले देशबंधु जी आपके पास आना चाहूँगा, सत्ता में हैं आप लोग और सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में जब दूसरे टर्म की सरकार आप लोगों ने बनाई है तब से इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के, अब ताजमहल को लेकर के, मथुरा का जिक्र भी आप लोग लगातार करते आए हैं। आपको लगता है कि ये जो मुद्दे उठ रहे हैं इनसे बीजेपी का कोई नाता है, क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे आपने आज बहुत अच्छा मुद्दा उठाया ज्ञानवापी मस्जिद और वहाँ पे मंदिर भी था। देखिए मैं इस पर इतना केवल टिप्पणी कह सकता हूँ कि वहाँ मंदिर था या मस्जिद था ये तो अभी सर्व जाँच का विषय है, उसके बाद ही जानकारी आएगी।
लेकिन जैसा कि सर विदित है, आप भी जानते हैं, जब से मुगल काल लगभग 300 साल हम मुगलकालीन शासन के गुलाम रहे, बाबर से वो श्रृंखला शुरू होते और औरंगजेब तक ख़त्म हुई, और जहाँ तक इतिहास में जो बातें लिखी हैं वो बहुत स्पष्ट या पुष्ट नहीं है, और जो ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण या पुनर्निर्माण है, औरंगजेब के शासनकाल में आपने देखा होगा बहुत सारी, जहाँ तक मैं इतिहास को समझता और पढ़ा हूँ, बहुत सारी मस्जिदों और मंदिरों का तोड़ा गया और उसकी जगह मंदिर बनाए गए। इसका उदाहरण आपने देखा कि अयोध्या में भी जहाँ भव्य राम मंदिर था, वहाँ भी देखिए बाद में उच्चतम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से आज मंदिर भी बन रहा है और उसी के बगल में मस्जिद है। कि हम भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट है कि हम हिंदुओं का भी सम्मान करते हैं और हम मुस्लिम की भी आस्था का सम्मान करते हैं, ठीक है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद और वहाँ गौरी मंदिर के बारे में जो विवाद है, उसका निर्माण या पुनर्निर्माण है, इसके कोई स्पष्ट या ऐतिहासिक अभी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं हुए हैं। और जो न्यायालय का आदेश है कि वहाँ की वीडियोग्राफी कराई जाए, और ये तो पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में ही निकलेगा कि वहाँ क्या था, लेकिन आपने देखा होगा और ये सर्वविदित है कि जितने भी मुस्लिम आक्रांताएं हमारे शासक आए, उन्होंने हमारी हिंदुओं की आस्था पर और हिंदुओं के मंदिरों का तोड़ फोड़ और उसकी जगह मस्जिदों का निर्माण कराया, यह बात बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हिंदू उस समय कमज़ोर थे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी जो जनता की आवाज़ बनके, देखिए हिंदुओं की तो आस्था का प्रतीक था ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का है, तो जनता जनार्दन मतलब का हमारे ऊपर यह विश्वास आता है, ताज महल या तेजो महल वाला जो मामला है, ये आप लोगों से मतलब रखता है? नहीं, देखिए हमारा मतलब रखता है, बिल्कुल रखता है, क्योंकि हमारे उद्देश्य में है जो सच है वो बाहर आना चाहिए, ठीक है। देखिए आज जो इतिहास है देशबंधु जी, कानून व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है। अखिलेश यादव चंदौली गए थे, वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बिल्कुल भी काबू में नहीं है, और क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो सब देख रहे हैं, सरकार चुप है। नहीं, माननीय विपक्ष के नेता अखिलेश जी चंदौली गए थे, और चंदौली में जो घृणित घटना हुई उसकी मैं आपके चैनल पे घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, ये बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि अपराधी चाहे कितनों से बड़ा हो, किसी भी पद पर बैठा हो, बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 5 साल की सरकार में आपने देखा, चाहे अपराधी कितनों से बड़ा पद पर बैठा हो, हमने या तो उसको जेल के पीछे बिखा दिया, या हमारी सरकार ने उसको जहां के द्वार, यमराज के द्वार पहुंचा दिया। तो मैं आपके चैनल पे आपके दर्शकों को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अपराधी जो है उसको सख्त से सख्त और कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, और कानून व्यवस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का हक नहीं है। ठीक है, मनोज पासवान हमेशा सपा से हैं। मनोज, आप इन सारी कार्रवाइयों को किस नज़र से देख रहे हैं, इन मुद्दों को किस नज़र से देख रहे हैं? हालांकि देशबंधु जी ये कह रहे हैं कि हमारे एजेंडे में था और उसी एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार पहले दिन से पक्षपाती तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर काम करती आ रही है। अच्छा, और भारतीय जनता पक्षपात ये है कि मणिलाल पाटीदार अभी भी फरार घोषित है IPS, और ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त होने का बात करते हैं, ये परसेप्शन झूठा है उत्तर प्रदेश में। तो जी सुन लीजिए फिर कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। ललितपुर को ले लीजिए, अभी कल की घटना है टुंडला फिरोजाबाद में, एक 60 वर्षीय अनुसूचित जाति की वृद्ध महिला के साथ पुलिस ने मारपीट की, उसकी जान ले ली। उसके बाद चंदौली में जो घटना हुई, NCERB लगातार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो वंचित तबके के लोग हैं उनके ऊपर अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है, और पुलिस स्टेट निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बन गया है। अफसर मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार चल रही है। एक पक्षपाती तरीके, थानों में तैनाती, तहसीलों में तैनाती, DM कलेक्टर्स की तैनाती, पूरी तरीके से पक्षपात नजर आ रहा है। और दूसरी बात, भाई साहब ने जो बात कही कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, ये हम आप स्टूडियो में बैठ करके या कोई पार्टी का लीडर नहीं तय कर सकता। अशोक ने भी इस देश में 80,000 जो है बौद्ध स्थल का निर्माण करवाया था, वो बौद्ध स्थल आज कहाँ चले गए, उसकी भी सरकार को जांच करवानी चाहिए। लखनऊ में तमाम बौद्ध स्थल थे, नगराम से लेकर के मोहनलालगंज से लेकर के लखनऊ के चारों तरफ
उन जगहों पर आज एक बौद्ध स्थल नहीं है। उन जगहों पर हो सकता है कि मस्जिदें बनी, हो सकता है वो मंदिर बना हो सकता है गुरुद्वारा बना हो सकता है कोई अन्य धार्मिक स्थल बना हो या उसका नामांतरण हो गया हो, सरकार को उसकी भी जांच करवानी चाहिए। और दूसरा जो अटैक वाली बात है, इस देश में सिर्फ मुस्लिम ने अटैक नहीं किया, शक ने अटैक किया, हूड ने अटैक किया, उससे पहले सिथियन ने अटैक किया। ये देश लगातार तमाम जो परंपराएं थी, तमाम धारणाओं को मानने वाले लोग थे, उनकी एक मिश्रित व्यवस्था बनी। और जब इस देश में संविधान लागू हो गया तो मैं समझता हूं कि कोई भी धार्मिक आस्था संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। कोई भी धार्मिक आस्था का सम्मान हमें संविधान के दायरे में रख करके ही करना होगा। अगर हम किसी धर्म के अगर हम किसी धर्म की बात करते हैं कि कहते भाई साहब ये हमारे धर्म का मामला, ये हमारी आस्था का मामला, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर धर्म और आस्था और संविधान के बीच में कोई चुनने की बात आएगी, क्योंकि मैंने जो अपना जीवन जिया है, मैंने देखा कि संविधान की वजह से मेरा जीवन बेहतर हुआ है या मेरी पीढ़ियों का भी जीवन संविधान की वजह से बेहतर हुआ है, तो मैं संविधान को सुपेरिटी दूंगा। और संविधान ने मुझे यह हक दिया है कि वैज्ञानिकवाद की मैं वकालत करूँ, संविधान की वकालत करूँ, तथ्यों की वकालत करूँ, मानवता के पक्ष में खड़ा हूँ, ना किसी हिंदू के पक्ष में खड़ा हूँ, ना मुसलमान के, ना सिख, ना ईसाई के, ना किसी और धर्म के पक्ष में। नहीं तो देशबंधु तो कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी होगी, मतलब वो भी तो कह रहे हैं विज्ञान के साथ हैं हम। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही क्यों इतना हाइप इन मुद्दों को मिल जाती है? क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? हमारा एजेंडा था वो, कह रहे इनके शीर्ष नेता कैसी कैसी बातें करते हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि काशी नहीं मथुरा। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में कालांतर से लगातार सरकारें रही, आती रही, जाती रही, ऐसे मुद्दे तमाम बनते रहे, बिगड़ते रहे, लेकिन हम सिर्फ इन्हीं मुद्दों के बजाय इनको हाइप करके सब ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़े, जिससे कानून व्यवस्था का खतरा बने, जिससे लोगों में अमन चैन की भावना न है, व्हाट्सएप मीडिया के फर्जी मैसेज बने। तमाम मैं बयान आपको दिखा सकता हूँ, तमाम भड़काऊ ऐसे बयान जो इनके पार्टी के लीडर्स ने दिया। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया कि जो जिसमें राम जिन 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 जो आदमी राम में आस्था नहीं रखता है, एक साल पहले बयान दिया था, वो भारतीय नहीं हो सकता। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपनी 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हैं, उसमें पहला उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूँ। एक वो अलग विषय है, उन्होंने कहा कि मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूँ। क्या आज अंबेडकर वही होते, आज वही कबीर होते जिन्होंने कहा था हिंदू कहा था राम हमारा, तुरक कहा था रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं, मरम के हूं न जाना। क्या आज वही कबीर को ये सरकार बुलडोजर उनके घर पे नहीं चलवाती? क्या आज वही यही सरकार यही मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई नहीं करते? क्या उन्हीं अम्बेडकर खिलाफ जिनकी पूजा करते हैं, क्या उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करते? ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स करते हैं। हम किसी भी कीमत पे संविधान को हमको संविधान को आगे लेकर ठीक है। मैं आता हूँ आपके पास, राम मिश्रा जनता संघर्ष मोर्चा से। राम क्या कहना चाह रहे थे? पहली चीज तो हमारे जो मित्र हैं सपा से मनोज जी, आपने कई सारी बातें उठाई, समर्थन करता हूँ आपकी बातों का। बहुत अच्छे विषय आपने उठाए, कानून व्यवस्था की आपने बात की, आपने बिगड़े बोलों की बात की। सबसे पहली चीज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, ध्रुवीकरण जो है हिंदू और मुस्लिम का, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब से शुरू हुआ है क्या आप बताएंगे? इस पर थोड़ा सा पीछे जाइए, 10 साल पीछे जाइए, 10 साल 15 साल पीछे जाइए, आपको पता लग जाएगा ध्रुवीकरण किसने किया, बोल किसके बिगड़े हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, आपकी पार्टी के माननीय संरक्षक के ही बोल थे बलात्कार जैसे गंभीर विषय पर कि लड़के हैं गलती हो जाती है, इनको आप बिगड़ा बोल नहीं मानेंगे। कानून व्यवस्था की यदि आप बात करें तो सपा सरकार के शासनकाल में कितने ऐसे मुद्दे थे जो कई ऐसे मुकदमे थे जो दर्ज ही नहीं हुए, कितनी जगहों पर चीज़ें हुई उनको दबा दिया गया, कहीं पर नेताओं ने दबाया, कहीं पर थाना प्रशासन ने। और जो आप कह रहे हैं पक्षपात की जो एक राजनीति चल रही है, श्रीमान सबसे ज़्यादा घोटालों के आरोप, सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए कि भर्ती में अगर आप उठा करके उस समय का अखिलेश जी के शासनकाल में यदि आप देख लें कि किन किन लोगों की कहां कहां पर नियुक्ति हुई है, कहां कहां भर्ती हुई है, आपको पता चल जाएगा कि एक वर्ग विशेष किस तरीके से हर सरकारी अमले में बैठाए गए। आप इन चीज़ों का उत्तर दीजिए। और रही बात आपने जो ऐसे बोला कि भाजपा के ही शासनकाल में मुद्दे क्यों उठते, मैं कहता हूं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उठने चाहिए। ये वो मुद्दे हैं जो धीरे धीरे नासूर बन रहे हैं, इनको अभी इनका इलाज कर देना बेहतर है। राम मंदिर मुद्दा जब तक नहीं हुआ था, आप ही लोगों का कहना था, भाजपा केवल इसको कह रही है मुद्दा भुना रही है, इसको कभी करती नहीं, अब कर दिया, आपको कष्ट है। ज्ञानवापी मस्जिद या आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, ये भी एक मुद्दा है
आज नहीं कल कभी ना कभी इस बात को लेकर के सौहार्द बिगड़ने के पूरे पूरे ऐसे चांसेस हैं। तो यदि आज भाजपा सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यदि वो इसमें इंटरेस्ट ले करके इसको सुलझाना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है? दूसरा, जो आपका कहना था वैज्ञानिक तरीके से, आपका कहना था वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीका यही है कि भाई आप वहां का सर्वे करवाइए, वीडियोग्राफी करवाइए, उसमें भी आपको ऑब्जेक्शन है, कोई थर्ड पर्सन अंदर ना जाए। वहां पर ये मांग उठ रही है कि जो कमिश्नरेट है, जो वहां पे सर्वे कर रहे हैं, उनको बदला जाए। ये क्या है, आप इस चीज का बताइए। अगर आपको एक तरफ आप कहते हैं हमें न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा, जब वही न्याय व्यवस्था कोई ऐसा आपको जो है आदेश देती है, कोई ऐसा निर्णय सुनाती है जो आपके पक्ष में नहीं होता, तो आप उसके खिलाफ नारेबाजी करते हैं। तो आप किस तरफ है, अपना स्टैंड क्लियर करिए। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, मनोज भाई आऊंगा एक बार में सबका पहले ले ले, फिर उसके बाद आते हैं। हमारे साथ, हाँ ठीक है, विवेक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक सर, ये जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे उठ रहे हैं एक एक करके, पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के, उसके बाद अब ताजमहल को लेकर के, और इन सबके बीच में विपक्ष जो है वो थोड़ा कानून व्यवस्था पर आज सक्रिय हुआ है, अखिलेश यादव चंदौली गए हुए हैं। तो पहली चीज़ तो ये ज्ञानव्यापी, ये ताजमहल, ये मुद्दे अचानक से क्यों बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और क्या इन मुद्दों के अलावा कई अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा होनी ज़रूरी है? विवेक जी का ऑडियो नहीं मिल रहा हमें। विवेक जी का ऑडियो हमें नहीं मिल रहा है, प्लीज उसको सही किया जाए, मैं फिर आता हूँ। विवेक जी मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, देशबंधु जी क्या कह रहे थे आप? नहीं देखिए, अब हमारे मित्र ने वैज्ञानिक तरीके बजाए, तो वही कहूँ, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। देखिए त्वापर और त्रेता, अब आपको इन्होंने तर्क के साथ बताई तो मैं गया, 1664 में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया औरंगजेब के आदेश पे, मंदिर को तुड़वाकर। यह सर्वविदित है और यह रिटर्न है, गूगल में ये सर्च कर सकते हैं। अब इन्होंने बात की है उससे पहले, और द्वापर और त्रेता आज से कई हजार वर्ष पूर्व थे, और आपने देखा होगा एक पूर्ववर्ती सरकार थी हमारी केंद्र में, जिन्होंने श्री राम के ही अस्तित्व को निशान लगा दिया। और आपको बता दूं, ये जो एस्ट्रोलॉजिकल पुरातत्व विभाग होता है, आपने जितनी भी देखी जो सर्वे होते हैं, जैसे मोहन जोदड़ो हुए, हड़प्पा खुदाई हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता हुई, हमने खुदाई के बाद ही जाना जब उसमें प्राप्त अवशेष मिले कि वहाँ की नगरी कैसे थी, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा था, तो जाँच का विषय है, उसमें जाँच हो जाने दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और औरंगजेब आपको बताएं एक ऐसा कुशासक रहा जिसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर वहां पर अनाप शनाप निर्माण कराए, तो जांच का विषय है, इससे हमें कोई नहीं, हमने कहा ना। और रही बात जो है, इन्होंने कहा आस्था का विषय है, वो तो है ही है। अब रही बात कानून व्यवस्था, संविधान की बात करते हैं, ये संविधान में आप बताइए, मुस्लिम तुष्टिकरण का ये राजनीतिक फार्मूला किसने स्टार्ट किया? कार से निरीह कार सेवकों पर गोलियां चलाकर एक विशेष वर्ग के वोट पाने की घृणित राजनीति किस पार्टी ने शुरू की, या नितिन जी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज ये संविधान ही है कि उत्तर हिंदुस्तान में कि मुस्लिम समुदाय जो पूरे विश्व में आप देख लीजिए कहीं भी नहीं है। आप बताइए जिस पाकिस्तान में हिंदू हमारे कितने थे, आज कितने रह गए? सन 47 से अगर आज बात 2022 तक करूं, तो आज वहाँ हिंदू की आबादी नगण्य है, और यह बहुत गर्व से कह सकते हैं हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम की संवैधानिक अधिकार है उनको कि आज वो हिंदुस्तान में ईद भी मनाते हैं, वहीं हिंदू भाई दीपावली भी मनाते हैं। ये तो सही हो गया। और अब दूसरी बात, ये तो अच्छी बात है आपने जो भी चीजें बताई हैं, और दूसरी चीज ये है कि मनोज ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और भी कई सारे मुद्दे, कानून व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया, किस तरह से पुलिस की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर सरकार को सोचना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी पर भी सोचना चाहिए, तो ये बातें भी वो कह रहे हैं, इस पर भी कोई जवाब? देखिए नितिन जी, जैसे इन्होंने कहा और भी मुद्दे हैं, आपने देखा 2017 से जब हमारे मुख्यमंत्री का पहला कार्यकाल रहा, तो इस 5 वर्ष में कोई दंगे नहीं हुए,
और जनता ने हमारे किए गए कार्य की उपलब्धि में आशीर्वाद के रूप में वोट दिया और मुख्यमंत्री को जनादेश दिया कि अगले 5 साल फिर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो विकास का पहिया है वो और द्रुतगामी तरह से। अब इनके पास कुंठा हताशा के बाद यह कोई एक मुद्दा बचा नहीं है, ठीक है। और ये अब ये यही छद्म राजनीति करते हैं। देखिए, हमने कभी भी हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई को अलग नहीं समझा। अगर हमने आवाज दिए तो ये सोचकर हमारी सरकार ने नहीं दिए कि हिंदू को मिले या मुस्लिम को मिले, सिख को। शौचालय हमने दिए, हमने नहीं ये सोचा कि हिंदुओं को मिले कि मुस्लिमों को मिले कि सिख को मिले कि ईसाई मिले। उत्तर प्रदेश का हर गरीब से गरीब वक्त आपने देखा, कोरोना काल से लेके आज तक भोजन की व्यवस्था की हमने किसी धर्म जाति विशेष के लिए नहीं की। उसमें हिंदू भाइयों के लिए भी भोजन मिला, मुस्लिम के लिए भी मिला, सिख के लिए भी मिला, अन्य वर्गों के लिए भी मिला। और दूसरी बात नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं। देखिए चीजें, देखिए बार बार उन चीजों को गिराने का कोई मतलब नहीं होता। मैंने गिराया तो ये आपकी जिम्मेदारी। आपने कहा और भी मुद्दे, जैसे बोला महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, मैंने आपके इस चैनल पे डिबेट में बहुत से कहा कि कोई भी ऐसी हो, ये वही सरपा सरकार है, रोज पूछती थी मंदिर कब बताएंगे, डेट नहीं बना। आज हमने मंदिर बनाया, और रही बात कानून व्यवस्था की, आपने बनाया है तो मैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, बना था नहीं। मान्यवर ये बताइए, पहले वाली सरकार में क्यों नहीं बना दिया? आप इस बात पे जवाब दें, पहले वाली सरकार में क्यों नहीं बनाया? आप यह बात बताएं, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, ऐसा घृणित नहीं, ऐसे घृणित बयान पे आप उत्तर दें, नहीं भागने, आप ऐसे घृणित बयान पे आप क्यों उत्तर देते हैं? 14 से 19 वाली सरकार में देखिए, बिल्कुल बना। आज जो भी मुद्दे हैं उसको हम ही ने विवाद पैदा करना। देखिए कोई विवाद नहीं, दुनिया के जितने भी, आपकी चिंता यही है कि जितने विवादास्पद मुद्दे रहे उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके रिजोल्व कर लिया। यही आपकी समस्या की दड़ है। और आज कुंठित मानसिकता से आप बात करते हैं, इतने बड़े बुजुर्ग नेता होके अगर कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती है तो उस पर क्या टिप्पणी होती है? मैंने इस डिबेट के पहले समय कहा था, नितिन जी पहले एक चीज सुन लीजिए, मैं जब भी बीजेपी के नेताओं से, सीनियर पॉलिटिशियन से बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब आगे की क्या रणनीति है, तो पिछले कार्यकाल पे आप लोग जाते हैं और ये बताते हैं कि हमने कोविड में इतना अच्छा कर दिया, हमने राशन दिया, हमने ये किया, हमने किया। मेरे हिसाब से शायद आप सत्ता में तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती कि अगर कोविड जैसी महामारी आई थी तो सही तरीके से लोगों का इलाज हो सके, ये आपकी जिम्मेदारी थी। उनको काम अगर उनका बंद हो गया या लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी है तो उनको राशन कैसे पहुंच रहा, खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, ये तो जिम्मेदारी सरकारों की होती है और वो काम आपने किया। तो मुझे नहीं लगता कि इसको एज अ माइलस्टोन आप लोग गिनाते रहोगे। नहीं नितिन जी, देखिए जिम्मेदारी है तो उसको हम निर्वाह कर रहे हैं। और आप, मैंने बोला ना, जो इन्होंने मुद्दा उठाया कानून व्यवस्था, मैंने कहा ना कानून व्यवस्था पे हमारे मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश हो, कोई बड़े से बड़ा अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और आपको बताऊं, ये चुनौतियां स्वीकार की जो इन्होंने घटना का जिक्र किया, चाहे ललितपुत की घटना हो, चाहे चंदौली घटना हो, चाहे कितनों बड़ा बड़े पद पर बैठा हो, उस आदमी को कठोर से कठोर और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और आपको बता दूं, इनके पास कोई सरकार है सर आपकी, और सेकंड टर्म की सरकार में अगर इस तरह से अपराध हो रहा है कि थाने के अंदर ये चीजें हो रही हैं, पैरवी के दौरान या फिर दबिश के दौरान ये चीजें हो रही हैं, तो ये सवाल कहीं ना बनता। मैं आऊंगा आपके पास, विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक जी, आपको जवाब दे रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी हाँ नितिन जी, मैं ये कह रहा था कि जो भी परिवर्तन या जो अभी कहा जा रहा है कि जो मेजॉरिटी है उसके पक्ष में शासन प्रशासन जाता हुआ दिख रहा है या मुद्दे जो नए उठ के आ रहे हैं, अभी मैं 2-3 बातों पे ध्यान केंद्रित करूंगा सबका। जैसे अभी सब डिबेट में सबने अपनी अपनी बात रखी, तर्क रखा, बहुत अच्छा था और मैंने सुना सबकी बातें। कहीं ये लगता है कि 70 साल में जो मेजॉरिटी थी उसकी आवाज़ को इतना दबा के रखा और माइनॉरिटी पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा होती रही, और जहाँ अभी एक बड़ा उचित सा बात कही भी गई कि जिस कोई पार्टी जो कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है वो कहती है कि राम का अस्तित्व हम नकारते हैं, आप कैसे उसको कहेंगे कि राम कभी होते थे, वो एक मनगढ़ंत कहानी है, इस तरह की बातें कही गई थी। तो उस चीज़ को ये देखते हुए कि इस समय प्रभावी हो रहा है जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो ये सोच रहा है कम से कम हमारी बात सुनी जाएगी, वो किसी तरह से उपद्रव या किसी तरह से आक्रोश में आकर के काम नहीं कर रहा है, वो संसद, संविधान, न्यायपालिका के तहत ही काम कर रहा है। अगर न्यायपालिका ये कह रही है कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ASI जा करके वहाँ पे वर्किंग करता है और अपने एक
लास्ट में एक रिपोर्ट सबमिट करता है, उस रिपोर्ट के हिसाब से, उस रिपोर्ट को बेस बना करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे, तो ये बहुत ही उचित बात है और इसको एक जो मानवता का सौहार्द है उसको बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। सभी पक्षों को चाहिए कि एक मन होकर के इस प्रोसेस को होने दें, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आएगा, चाहे वो राम मंदिर में हुआ था, चाहे वो यहाँ पे देखा जाएगा जो अभी मंदिर विवाद चल रहा है। जहाँ तक बात आती है, अभी बात हो रही थी कि और मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, उसमें एक बात आई, जैसे मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं वो कह रहे थे, तो महंगाई की बात नहीं हो रही है, उसके ऊपर विशेष कर ध्यान देना चाहिए। और ये गलती, मैं ये नहीं कहूँगा गलती है, ये एक सोच नहीं बनने दे रही है बीजेपी विपक्ष में, या विपक्ष के पास वो सोच नहीं है कि वो कौन से मुद्दे उठाए। विपक्ष के पास मुद्दे उठाने की सोच डेवलप करना चाहिए, खासकर जो इस समय यूपी में जो विपक्ष है। अखिलेश यादव आज कह रहे थे कि जनता खुद सोचे, छोटी छोटी बातों, विवेक जी जनता खुद सोचे, अखिलेश जी कह रहे थे जनता सोचेगी तो फिर वो जनता का नेतृत्व कैसे करेंगे। अगर जनता ही सोचेगी तो जनता ने सोच करके इस बार जिस पार्टी को चिन्हित किया है तो उसी का शासन प्रशासन चलने दिया जाए। और ये जो सरकार इस समय है वो महंगाई पे ध्यान नहीं दे रही है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल डिजिट में चल रहा है, गैस सिलेंडर का रेट आप देखेंगे 1000 क्रॉस कर चुका है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो 105-106 रुपए टच कर रहा है, किसी भी तरह से इकोनॉमी चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो ग्रो ही नहीं कर रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत डिप्लीट कर चुका है। इन मुद्दों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे पास इस भारत को जिसको कि हम 21वीं शताब्दी में ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास इन मुद्दों पे ही एकत्रित होकर के और पूरी ऊर्जा इस पे लगाना और केंद्रित करना, ये मेरे को नहीं लगता एक तरह से न्यायिक होगा। ये मुद्दे वो हैं जिसमें समय लगेगा, ठीक, न्यायपालिका के हिसाब से चलेंगे, समय लगेगा और न्याय जो आएगा वो चाहे जैसे अयोध्या में आया था सबने स्वीकार किया, यहाँ जो आएगा वो स्वीकार होगा, ठीक, वो चाहे बनारस का मामला हो चाहे आप कहें जो ताजमहल का है, वहाँ पे भी जो न्यायपालिका के माध्यम से होगा, जो संविधान का अनुगत होगा, उसी को स्वीकृत करेगी जनता। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ मनोज, देखिए सबसे पहले अभी हमारे भाजपा के साथी ने जो डेमोक्रेटिक और उसकी बात की थी, कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री ठोंक दो जैसी भाषा का उपयोग नहीं कर सकता इस लोकतंत्र में, और ठोंक दो के साथ साथ 80 और 20 क्या है, तुष्टिकरण की जो आप बात कर रहे हो, 80 और 20 क्या है, नहीं आप और मुसलमान आपके रहमो करम पे इस देश में है, या किसी के रहमो करम पर मुसलमान या सिख या ईसाई या कोई भी समुदाय, यही आपकी मानसिकता है इस देश में, कोई भी समुदाय संविधान की वजह से इस देश में है, आपके रहमो करम पे नहीं है, आपके रहमो करम पे नहीं है, खिलवाड़ किया। मैं कह रहा हूं बताइए, आप मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप यही करते रहिए, इसीलिए नहीं है सवाल, अब आपके पास कोई नहीं, आपके पास मैं कह रहा हूँ बस कोई मुद्दा बचा नहीं है, चुनाव की हताशा के कारण ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये भी कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। बोल लेने दीजिए देशबंधु जी, बोल लेने दीजिए देशबंधु जी, बोल लेने दीजिए देशबंधु जी, देशबंधु जी, ठीक है सर प्लीज सुन तो लीजिए मनोज क्या कह रहे हैं, मनोज कह रहे हैं आप उस पर प्लीज वन बाय वन, प्लीज वन बाय वन, सबसे ज्यादा दंगे हो गए आप उस पर जवाब दीजिए। चैलेंज करता हूं कि अगर जिस भी आदमी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, आपका आरोप है कि कार सेवकों पर गोली चलवाई एक निर्वाचित सरकार के चीफ मिनिस्टर ने चलवाई, मैं भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता हूं कि अगर उस आदमी ने गलत किया या संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, असंवैधानिक काम किया, तो आपका बुलडोजर उस आदमी के घर पे क्यों नहीं चल रहा है। माननीय मुलायम सिंह यादव आपकी हैसियत हो तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के घर पे जाइए, बुलडोजर चलवाइए, ठोकिए उनको भाई, मैं क्यों अगर निर्वाचित, अगर वो असंवैधानिक काम था तो बरगलाइए मत, अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है, आपको जब अपनी गलतियों पे शर्मसार ही नहीं है, आप कहते हो युवाओं से गलती, देखिए यही हताशा मानसिकता होती है। आप लोग की जो गुंडों की सरकार है ना, केवल उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया 15 सालों में, आपने वो सारे असफल प्रयोग कर लिए, सुनिए आपने वो सारे असफल प्रयोग कर लिए जो होश नहीं सकते हैं, और आज आपकी ये दशा हो गई है, कमरे के अंदर से ट्विटर बोलते हैं और कहते हैं जनता लड़ेगी, अगर जनता अपने अपना प्रश्नों का उत्तर लड़ेगी तो जनता कर लेगी, और यही रहा आप दो राजकुमारों की याद हुई, साइकिल पंचर हो गई, और आप जहां देंगे आप अपने
दंगों की बात करिए, आपके शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में 765 से ज्यादा दंगे हुए, कहां के आप भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में। मैं आपका नाम ले रहा हूं अनिल यादव जी, सुनिए, 86 में 56 SDM बाद पहली बार लोकतंत्र के इतिहास में, लिस्ट दिखाइए। अरे आप, मैं चैलेंज करता हूं, अगर चैलेंज करता हूं मैं मानहानि का दावा कर दूंगा आपके ऊपर। 86 में से, अरे सुनिए नितिन जी, आप निकालिए लोक से, लिस्ट दिखाइए, मेरी बात सुनिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में, श्रीमान श्रीमान अनिल यादव जी को, श्रीमान अनिल यादव जी को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया गया, जेल में वो रहे, कौन जेल, आजम खान देखिए जेल में भुगत रहे, क्लीन चिट मिल गई, प्रजापति का अभी भुगतान कोई भुगतान नहीं। आप बात करते हैं नैतिकता की, ये भाजपा जो झूठ पे आधारित, कमरे में आ गई, कमरे में ट्विटर खेल के बात करते हैं, ठीक है देशबंधु जी, देशबंधु जी ठीक है ठीक है, प्लीज हाँ मनोज मनोज जल्दी से, अरे सुन लीजिए भाई, बर्खास्त किया गया, ठीक है देशबंधु जी करके आइए। पहली बार लोकसभा के इतिहास में 47 से भारत आजाद हुआ, 86 पदों पे भर्ती हुई और 56 पदों पे SDM उन्होंने अपॉइंट किया। ठीक है देशबंधु जी प्लीज, ठीक है सुन लीजिए ठीक है, प्लीज देशबंधु जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। एक मिनट हाइपर मत होइए, भाजपा, मैं हाइपर नहीं हो रहा माननीय, आपको जानकारी नहीं साक्ष्यों की, भाजपा की जो राजनीति वो झूठ नफरत और बेबुनियाद पे हदम टिकी रही है जी। मैं आज कह रहा हूँ कि ये भाजपा जो बहुत सबका साथ सबका विकास की बात, जनता ने आपको रसातल में समझा दिया, जो अपने चाचा की इज्जत नहीं कर सकता, जो माननीय चाचा भतीजा मौसम और बात कहां से लिया है, जो परिवार नहीं संभाल सकता वो उत्तर प्रदेश क्या संभालेगा, चाचा दादा नानी की इसमें बात नहीं चल रही, कोई बात ही नहीं, परिवार जो नहीं संभाल सकता उत्तर प्रदेश हमारा भारत भी एक परिवार है। देशबंधु जी प्लीज भाई सुन लीजिए, परिवार में समन्वय नहीं, ठीक है तो उत्तर प्रदेश में समन्वय कभी नहीं स्थापित कर पाएगा। प्लीज सुन लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती, गलत बात मैं नहीं सुनता, अरे देशबंधु जी सुन तो लीजिए भाई, क्या कह रहे हैं 69,000 के बारे में, कब से कह रहे हैं मनोज, सुन लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती अभी इसी सरकार में हुई है, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ये संविधान द्वारा निर्णित है कि 22.5% शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन मिलेगा, 27% OBC को मिलेगा, इसी सरकार के दौरान भर्ती हुई, और इसमें जो तय रिजर्वेशन कोटा है 69,000 शिक्षक भर्ती का, क्यों नहीं सरकार ने, आपने क्यों नहीं, एक अरे साल की सरकार ने क्यों नहीं किया, शिक्षा मित्रों को, फर्जी शिक्षा मित्रों को, अभी आपकी सरकार में पदोन्नत हुए हैं, उसको बताइए, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट लगा के जो मैं के पदों पे आए सब पदोन्नत हो गए, फिर बाबू की पोस्ट पे आ गए, आप अपनी सरकार की बात क्या करिए, नौकरियों की बात करते हैं, ठीक है प्लीज, ठीक है, आवाज तेज करने से सही नहीं हो पाएगा, जिसमें आवाज तेज करने से नहीं होता है, पार्टी के एक नेता आवाज तेज करने से नहीं होता है, भर भर के रुपया बटोरते थे और यादव को थाने यादव चलाते थे, आप हमसे बात करते हैं, आज कौन चला रहा है की बात करते हैं, आज कौन चला रहा है, कौन से जा रहा है, चला रहा है, एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा दीजिए, वही भ्रष्टाचार का क्या बात, कुंठाई बात बता दीजिए, क्या बात, एक आरोप लगा के आप दिखा दीजिए, 5 साल में आप लगा नहीं पाए, यही 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 आजमगढ़ पे था शेड्यूल कास्ट यही पर, अरे केवल अवसरवादिता की राजनीति करते हैं, आजमगढ़ का क्या हासिल कर दिया उन्होंने, ठीक है प्लीज देशबंधु जी ठीक है, ठीक है, बातों का जवाब दीजिए, इधर उधर भागने से नहीं, भागने की बात नहीं है, आप तथ्यों की झूठ बोल रहे हैं, ठीक है प्लीज मैं आऊंगा आपके पास, SDM की बात मैंने, आपने जो कहा है नाम आपको नहीं, आप 76 SDM में नाम लेके 56 SDM की नियुक्ति दिखा दीजिए, व्हाट्सएप मिनिस्ट्री का नॉलेज है, लोक सेवा आयोग आपको जानकारी, आप वेबसाइट पर लिखे हैं, बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी, ठीक है हो गया आप लोगों का, हो गया आप लोगों का, हो गया आप लोगों का, मनोज मैं आऊंगा थोड़ी देर में, नितिन जी आपके माध्यम से मैं पूछवाना चाहता हूँ, भाजपा साबित करे कि 76 में 56 SDM 2016 में UPPCS की नियुक्ति में हुए थे, ये झूठा प्रोपोगंडा चलाया गया समाज में नफरत बढ़ाने के लिए, और मैं कह रहा हूँ ये भाजपा झूठ ध्रुवीकरण करना चाहती है,
नितिन जी, अगर ये जाति जाति का नेता क्यों नहीं करवा रही है? नितिन जी, अगर मैंने गलत बोला आप गूगल करिए। ठीक है, प्लीज, ठीक है, प्लीज प्लीज। लोकसभा का अध्यक्ष पूछना चाहता हूँ, बर्खास्त किया गया लोकसेवा का, लोकसेवा का, गूगल करिए, लोकसेवा का, लोकसभा का नहीं, प्लीज, ठीक है जी, बिल्कुल। आप डाटा लेकर आए 86 में छप्पन, आपको जानकारी है, डाटा लाइए ना। ठीक है, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है, थैंक यू, मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास। नितिन जी को बाद में देख लीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं नंबर आप लोगों का एक दूसरे को दिलवा दूंगा, आप लोग बात कर लीजिएगा बाद में। यूपीएससी भारत सरकार का होता है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। अरे लोक सेवा आयोग, मैं भी जानता हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माननीय अनिल यादव इलाहाबाद में बर्खास्त किए गए। अरे आप क्या बात करते हो यार, डाटे की झूठ बोलते हो खाली टीवी चैनलों पे आके, और समाजवादी के सारे प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, केवल कुंठित मानसिकता बना रखी है, मुस्लिम तुष्टिकरण की मुरालत, कभी सपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, सारे महाठगबंधन कर लिए, और जनता जनार्दन ने जब रसातल में पहुंचा दिया तो मंदिर कहाँ है, ठीक है, मस्जिद कहाँ है, ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई, वो बात हो गई, जलेबी की चाशनी तोड़ के हो गया भाई, हो गया आपका, हो गया। हाँ मिश्रा जी, क्या कह रहे थे? आ रहा हूँ भाई। हमारे मित्र मनोज जी बता रहे थे कि एक चुनी हुई राज्य ने, चुनी हुई राज्य के मुख्यमंत्री ने गोलियां चलवाई थी, और वो कहीं से संवैधानिक नहीं था, मान ली आपकी बात बिल्कुल। मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यदि उस समय उनका गोलियां चलवाना असंवैधानिक नहीं था, वो किसी भी दृष्टिकोण से हो, चाहे मानवता के, चाहे सामाजिकता के, तो आज एक वैधानिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री का बुलडोजर चलवाना क्यों असंवैधानिक है? वो भी संविधान में आता है। ये तो कोर्ट ने कहा, ये तमाम जगह पर कार्रवाई हुई, कोर्ट ने डाटा उत्तर प्रदेश सरकार को, देखिए मनोज जी, ये अवैधानिक कार्रवाई है, किस मनोज जी जिस आधार पे आप बात कर रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप जिस कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये कोर्ट ने कहा है कि ये अवैधानिक कार्रवाई हो रही है, उस समय भी क्या, उस समय क्या ये नहीं कहा गया था? उस समय क्या ये नहीं, आप किसी की हत्या कर देंगे पहुंच करके, उस समय, अच्छा मतलब आपने उस समय जो गोलियां चलवाई, नहीं नहीं गोली चलवाने का, सौहार्द बनाने का, लेकिन आप किसी आदमी घर पे जाएंगे, गोली चलवाए घर पे, चंदौली में आप गोली चलवा देंगे, आप गोली चलवाए मनोज जी, आप किसी को मर्डर कर देंगे, आप गोली चलवाए मर्डर कर देंगे, मर्डर भी कई तरह का होता है, नहीं आप मर्डर कर देंगे, रक्षा में यदि मर्डर हो तो रक्षा में आता है। सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, वो आत्मरक्षा में था, वही में वो आत्मरक्षा था, जो बहन ने कोई हमला किया था, चंदौली की बात, देखिए चंदौली की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, किसी ने आत्मरक्षा, मैं अभी चंदौली की बात नहीं कर रहा हूं, ललित, मैं केवल आपसे जो पूछ रहा हूं, सुनिए सुनिए मनोज जी पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं चंदौली की बात नहीं कर रहा हूं, पहली चीज आपकी बात मैं पूछ रहा हूं, यदि आपके अनुसार बुलडोजर चला के किसी की जान ले लेना असंवैधानिक है, तो क्या उस समय माननीय मुलायम सिंह जी का गोली चलवाने का आदेश देना असंवैधानिक था? ये बताओ, ये हम आप तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तय करेगा? फिर भाई साहब आज आप, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर आप किस आधार पे चला रहे हो? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है, आज आप विमेन कमीशन ने कहा है, बात सुन लीजिए, नीति आयोग कह रहा है, एनसीआरपी कह रहा है उत्तर प्रदेश टॉप में अपराध में, मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीआरपी कह रहा है, आप अपनी बात पर, मैं कह रहा हूँ, कल को और अगर अगर जो भी उस समय के निर्वाचित, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं एक बात, एक बार सुन लीजिए, जो भी अगर अगर जो भी उस समय निर्वाचित सीनेटर था, जो भी निर्वाचित किसी पार्टी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी निर्वाचित चीफ मिनिस्टर था, अगर उसने असंवैधानिक काम किया, तो ये सरकार की हैसियत हो, इस सरकार का दम हो, इस सरकार में मादा हो, तो उसकी संपत्ति जब्त करवाए, और उसके घर इस बात को तो आप भी मानेंगे ना, इस बात को आप भी मानेंगे मनोज जी, यही जीतन राम मांझी, इनकी पार्टी के सहयोगी हैं, सुनिए, मैं भाजपा के बने मित्र से कहना चाहता हूँ, यही जीतन राम मांझी हैं, अरे इनकी भाजपा के सहयोगी, कहाँ ले गए भाई, यूपी में रहिए आप लोग यार, यूपी में रहिए प्लीज, जहाँ बात कर रहे मिश्रा जी, हमारे जी क्या देश पर, एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, आपकी बात, अगर यही आप राम का, ये भाजपा झूठी राम की आस्था का सम्मान करती है, अगर ये राम का सम्मान करती है, तो जीतन राम मांझी भी, मांझी जिन्होंने राम का अपमान किया, कहा कि राम का झूठा चरित्र है, झूठा काल्पनिक है, आज उनके सहयोगी गठबंधन में सरकार में क्यों शामिल है? अभी थोड़ी देर पहले आप बताइए, सुनिए, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे, क्यों ना आप क्यों नहीं हटा रहे हैं? अरे मनोज जी पहले इस बात का जवाब दे दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले आप ये बोल रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो 22 शपथ खाई, उसमें उन्होंने ये बोला है कि मैं राम और कृष्ण और इन मतलब किसी भी पौराणिक चरित्र को नहीं मानता, नहीं मानता, मेरी कोई आस्था नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी स्टडी किया होगा इतिहास का, या आपने संविधान का स्टडी किया होगा, तो जो पहला संविधान बना था उसके फ्रंट पेज पर
भगवान श्री राम की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिए पहले, पहले बात सुनिए। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, पहले पूरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपकी बात का ही जवाब दूंगा, पहले पूरी बात सुन लीजिए। पहले पेज पर ही भगवान श्री राम, माँ सीता और श्री लक्ष्मण जी का, भगवान लक्ष्मण जी की फोटो थी। उस संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। अब आप बताइए उन्होंने उस समय विरोध क्यों नहीं किया, और पहले संशोधन तक ये चीज रही है। कह रहा हूँ कि देखिए, एक मिनट सुन लीजिए यार, अभी आप व्यक्तिगत पर आएंगे ना। ये देश देखिए, ये देश संविधान अलग जगह पर है। हो सकता है कि मैं किसी धर्म का सम्मान करता हूँ या आप किसी धर्म का सम्मान करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब आप किसी सार्वजनिक संस्था, नितिन जी यहाँ पर बैठे होंगे, किसी धर्म के होंगे या किसी धर्म की आस्था का सम्मान करते होंगे, लेकिन जब यहाँ पर एंकर की कुर्सी पर बैठे हैं तो इनको बराबर का स्पेस देना है सभी को। बिल्कुल, ये किसी अपने जिस धर्म को ये मानते होंगे, उस धर्म को इधर उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि संविधान जी ने बराबर, मैं डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ। अगर ये डॉक्टर अम्बेडकर कि अगर डॉक्टर अंबेडकर के बात से सहमत नहीं है तो डॉक्टर अंबेडकर को क्यों पूछते हैं? किसको? मैं अगर जीतन राम मांझी, इनके भाजपा के अलाई हैं बिहार में, उन्होंने कहा कि रामचरित झूठा है, काल्पनिक है, बेईमान है, राम को पता नहीं क्या क्या कह दिया। राम इस देश के लाखों करोड़ों आबादी के आस्था के सवाल है, आस्था है उनमें राम की, कृष्ण के प्रति आस्था है। जीतन राम मांझी इनके गठबंधन के साथ ही है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जीतन राम मांझी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो राम जी के ऊपर कहा, चलिए वो बाद में तय होगा, कोर्ट तय करेगा, हम लोग तय करेंगे, वो बाकी चीज है कि थे नहीं थे, क्या था क्या नहीं था, उस पर अभी हम लोग नहीं जाते। आपके यहाँ के एक बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, अभी तो खैर जेल में है, समझ गए होंगे आप। नहीं, हम नहीं, रामपुर जी, रामपुर से, हम नहीं समझे, नाम बताइए भाई साहब आप। नहीं, समय थोड़ा जल्दी जी 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 जी, अरे देखिए नाम भूल गए, आजम जी, खान जी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा कीजिएगा, आजम खान जी। देखिए अब तो नाम देने में भी जवान लड़खड़ाती है उनका भाई। कौन? आजम कौन? खान जी ने एक महिला के ऊपर, महिला सांसद थी, महिला नेता थी, उसके ऊपर उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसको लेकर के पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सबने भत्सना की थी। लेकिन उस समय आपके माननीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ने ना तो उनको पार्टी से निष्कासित किया, ना उनके ऊपर कोई वैधानिक कार्यवाही की, ना ही उनका उनके उस चीज को लेकर के उन्होंने किसी प्रकार का अपना खेद या कह लीजिए किसी प्रकार का उन्होंने क्षमा याचना की किसी भी तरीके से, इवन वो उनका बचाव करते ही नजर आए। ये तो अभी इस समय की बात है जो हम लोग देख रहे हैं। इस पे आप बताइए, सवाल केवल इतना सा है, सवाल आस्था का नहीं, सवाल सब देखिए, आस्था उत्पन्न होती है भाव से, और जब भाव गलत हो तो आस्था ऑटोमेटिक गलत होती है, इसको मान लीजिए आप। आपके नेता ने गलत बोला था उस समय, आप सत्ता में थे। सवाल इस बात का आज है कि जो आज अस्पताल में मरीज तमाम जा रहे हैं, वहाँ पे सुविधाएं, उनको स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं तो मिल पा रहा है, तो इस पे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। सुनिए, सवाल कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अखिलेश जी, एक सवाल नितिन जी, अखिलेश जी लाखों करोड़ों मंदिर मस्जिद मजबूत विपक्ष दे रहे हैं। ठीक है, प्लीज, हो गया। अखिलेश जी एक मजबूत विपक्ष देने में विफल रहे हैं। मेरे पास सुन तो लीजिए यार, बताइए, समय कम है मनोज भाई, जल्दी से, समय बहुत कम है, 30 सेकंड कर रहा हूं। इस देश में नितिन भाई हजारों सालों का एक एक व्यवस्था रही, एक परंपरा रही है, और इस देश में प्रोग्रेसिव भी धारा रही, निष्ठुर भी धारा रही, संकीर्ण भी धारा रही। इस देश ने तमाम झोंके झेले, तमाम लोगों के आक्रमण झेले, तमाम धार्मिक आक्रमण झेले, लेकिन उसके बावजूद यह देश मानवता के साथ और मानवीय विचार के साथ, संस्कृति के साथ, लोक के साथ, समाज के साथ, अच्छे विचारों के साथ खड़ा हुआ, और लगातार ऐसी तमाम ताकतें लगातार नहीं है क्या? नहीं, अभी संकट अगर लोगों को लगता, जिन लोगों को लगता होगा, या देश निश्चित रूप से उन चीजों से खड़ा होगा। और मैं समझता हूँ कि इस देश के लोग इतना गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, इस देश के अच्छे अच्छे लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। इसी देश में बुद्ध ने दुनिया में नाम किया, इसी देश में केदारनाथ पांडे जो आजमगढ़ के थे उन्होंने दुनिया में बौद्ध साहित्य दिया, इसी देश के कबीर ने दुनिया में अपना स्थान बनाया अपनी प्रोग्रेसिव सोच से, इसी देश में रविदास ने, इसी देश में डॉक्टर अंबेडकर ने अच्छा संविधान, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया। तो निश्चित रूप से ये जो कुछ लोग चाहते हैं कि मंदिर का सवाल, मस्जिद का सवाल, आस्था का सवाल, तमाम उन सारे जरूरी मुद्दों से, उन जरूरी मुद्दों पर हावी हो जाए जो आदमी को जीने के लिए जरूरी है, उन आदमी को जीने के लिए जरूरी है। मैं आज कहना चाहता हूं, जिस स्टूडियो में आप हम सभी बैठे हैं, अगर इसी स्टूडियो में
नितिन जी आप ना हो, हम ना हो, हमारे दीक्षित जी जो भाजपा प्रवक्ता ना हो, अगर ये स्टूडियो भव्य भव्य बना रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए जान की कीमत होनी चाहिए, मानव की कीमत होनी चाहिए। ये जो लोग जो झगड़ा फसाद करवाने, इसको निश्चित रूप से जनता समझ रही है और जवाब देगी। ठीक है, थैंक यू विवेक जी। लास्ट में आपके पास आऊंगा, सब कुछ सुना आपने, क्या कंक्लूजन निकला और क्या रास्ता निकालना चाहिए? कम शब्दों में जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है, प्लीज। मेरा केवल सोचना यही रहेगा, जिस तरह से अभी डिस्कशन चल रहा था, एक तो ये कि डिस्कशन को वन बाय वन रहना चाहिए, अगर कोई एक बोल रहा है दूसरे को बोलना देना चाहिए, और ये मेरा अपना सुविचार है। दूसरा ये कि भारत देश हमारा, जो भारत मेरा है, वो एक सनातनी भारत रहा है, उसमें सर्वधर्म और सौहार्द रहा है, सब मिलजुल कर रहते थे, अभी भी रहते हैं। कहीं कहीं कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न होना एक सोशल डेवलपमेंट का भी एक चिन्ह होता है। तो ये जो प्रक्रिया अभी चल रही है, निर्माण, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि समय का काम है बदलना, वो बदलाव लाता रहेगा। इतना ही कहना। ठीक है। हाँ मनु, जल्दी से। सनातन भारत को कोई कैसे कह सकता है? कौन सी इतिहास की किताब ने आपने पढ़ लिया कि ये सनातन देश रहा है? इस देश में बुद्ध आपके पास है मनोज जी, उस बुद्धि को इस्तेमाल करिए। आप लगातार नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप सकारात्मक बात कैसे हो रही है? और सपा के जितने भी नेता देखे वो नेगेटिव, ये नेगेटिव बात नहीं है भाई साहब, ये नेगेटिव बात नहीं है। ठीक है, प्लीज, ठीक है, थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में कोशिश और प्रयास सरकारों का यही है कि सौहार्द बना रहे, सबके बीच में प्रेम भाव बना रहे, और ये कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार भी है। लेकिन इन मुद्दों के अलावा उत्तर प्रदेश में और देश में कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मेरा एक प्रयास है कि हम उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि रोज़गार की स्थिति बेहतर हो, महंगाई की स्थिति बेहतर हो, महंगाई कम हो, लोगों की जेब तक, जो जेब से पैसा है उस पैसे में ही उनका पेट भर सके। ये सारे प्रयास हमारी तरफ से रहेंगे कि सरकारों को इन पर भी सोचना ज़रूरी है। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।